जगदीप जी, आप पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछ जाऊँगा कि 35 को लेकर राज्य में जिस तरह से हालात बने हुए हैं जी, आज जो मसला है वो न्यायपालिका में भी है, और दो दिन पहले आपने भी इस मुद्दे को लेकर शहर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी किया था जी जी, तो 35 को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि जो 35 है वो जम्मू और कश्मीर के लिए एक तोहफा है। ये आर्टिकल 35 कोई छोटी बात नहीं है कि जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल जो स्टेट एक्ट का दर्जा दिया गया है। और जहाँ तक न्यायपालिका का ये मुद्दा है, ये न्यायपालिका में तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर 35 को अगर कोई तोड़ मरोड़ करनी है, उसमें कोई चेंजिंग करनी है, तो उसमें समझ लो कि 1/3 मेजॉरिटी तो हमारी J&K की चाहिए ना। न्यायपालिका का रोल ही नहीं है कोई भी। अगर कोई कोर्ट में प्रोटेशन दायर करता है, वो होता है कि अगर कोई मान लो कि हमारे जो जम्मू कश्मीर में कोई हालात बिगड़ रहे हैं इसकी वजह से, जहाँ कोई 370 का कोई मिसयूज हो रहा है, जहाँ इसमें कोई ज़बरदस्ती कोई चेंजिंग करना चाहता है, कश्मीर वाले जम्मू वाले या कोई और अगर इसमें चेंजिंग करना चाहता है, तो प्रोटेक्शन दायर करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। न्यायपालिका का तो रोल तब होता है कि अगर हमें कोई समझ नहीं है, जबकि हमें जम्मू और कश्मीर के लोगों को अच्छी तरह से पता है कि जो 370 के क्या फैक्ट हैं। मान लीजिए कि हमें आज अगर कश्मीर वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जम्मू वाले कम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये प्रोटेस्ट तो पहले हमारा बनता है, क्योंकि ये स्पेशल स्टेट है। ये महाराजा हरी सिंह ने हमारी सेफ्टी के लिए एक्ट बनाया था, ना कि ये इसको तोड़ने के लिए कहीं भी किसी को राइट नहीं है, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो। और मैं ये कह देना चाहता हूँ जम्मू के लोगों को कि ये कोई कश्मीर का मुद्दा नहीं है, ये कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये तो हमारे घर का मुद्दा है, हमारे बच्चों के फ्यूचर का मुद्दा है, आने वाली जनरेशन के लिए उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मुद्दा है। कि हमने तो चलो अपनी काट दी, लेकिन आगे जो अभी हमारे बच्चे हैं, जो उनके लिए ये बहुत एक नयाम तोहफा है, ये जो आर्टिकल 370 है और ये जो 35 है, क्योंकि अगर तोड़ने के बाद स्टेट सब्जेक्ट की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अब जो कुछ पार्टियां हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि वो पार्टियां जो अभी झगड़ा करती हैं कश्मीर के लोग हमारी सीटें ले गए हैं, कश्मीर के लोग हमारे बच्चों को आगे नहीं आने देते हैं, अभी हमारा और कश्मीर के लोगों का कंपैरिजन चलता है, जब 370 आर्टिकल या 35A को तोड़ दिया जाएगा, फिर क्या? फिर तो पूरे बाकी राज्यों से, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है और कर्नाटक है, कितने जहाँ से कोई भी है, कि जितने भी राज हिंदुस्तान में आते हैं, सभी ओपन हो जाएंगे। फिर क्या बोलेंगे कि हमारे बच्चों का हक वो ले गए हैं, जबकि हम हक खुद ही काट के दे रहे हैं उनको, अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। कल को 35A पे आर्टिकल पे मान लो कोई डिसीजन आ जाता है, एक तो राज्य के हालात ख़राब हो जाएंगे, वो तो अंडरस्टूड है, वो तो हमें भी दिखाई दे रहा है, और न्यायपालिका को भी ये देखना चाहिए कि राज्य में हम तो पहले सफ़र कर रहे हैं, मिलिटेंसी से जूझ रहे हैं, हमारे राज्य में और कुछ है नहीं। तो एक जो ये आर्टिकल है हमारा स्पेशल स्टेट का दर्जा है, ये नहीं है कि हमारे J&K को दिया गया है, अब हिमाचल को भी दिया गया है, हिमाचल में डोमिसाइल है, उसकी कोई तंगी नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को। हमारे ही ऊपर हर चीज़ का अटैक क्यों किया जाता है, हम ये पूछना चाहते हैं। हम जम्मू कश्मीर के बशिंदे हैं, कोई बाहर से तो आए नहीं है, अगर हम जम्मू कश्मीर के बशिंदे हैं तो हमें भी हक है अपनी बात रखने का। अगर हम हमारी बात नहीं रखेंगे, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं कहेंगे, तो कहाँ कहेंगे अपनी बात? अगर हम कहते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मिलजुल के जितनी भी पार्टी हैं, ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये जम्मू के डोगरों का मुद्दा है, ये जम्मू के डोगरों के स्वाभिमान का सवाल है, जो महाराजा हरी सिंह ने हमें गिफ्ट दिया हुआ है जी, उन्होंने कितनी फाइट करके हमें ये गिफ्ट दिया है, और उन्होंने रिटर्न में लिखवाया हुआ है जी कि जब तक हमारी मेजॉरिटी नहीं कहेगी, हमारे राज्य की मेजॉरिटी नहीं बनेगी, तब तक ये आर्टिकल तोड़ा नहीं जाएगा।
और हम उस पर ऐसे ही अपने हाथ काट के दूसरों को दे देंगे। अभी मान लीजिए जो लिस्ट निकलती है, कोई भी मान लीजिए, मैं नहीं कहता कि नौकरी के लिए लिस्ट निकलती है, अगर कहीं भी कोई कॉलेज के लिए निकलती है, स्कूलिंग के लिए निकलती है, तो हमारे बच्चों की परसेंटेज क्या है? 90 से लेकर 95 तक हम 95 वाले 98 वाले को हम मानते हैं जी बड़ा हाईएस्ट मार्क्स लेके आ गया है। लेकिन आप देखिए जहाँ से कर्नाटक के लोग देखिए, जहाँ बिदर के लोग देखिए, जो बाहर से इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं उनको लोग देखिए, उनके बच्चे देखिए, बाहर के देखिए, उनकी परसेंटेज देखिए 99.9 से शुरू होती है। और आजकल आपको पता ऑनलाइन का ज़माना है, अगर हमारा स्टेट सब्जेक्ट की वैल्यू ख़त्म हो जाती है तो ऑलरेडी जो हमारे जो सेंटर के डिपार्टमेंट हैं उनमें तो चाहिए नहीं स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन हमारी जो जे स्टेट की नौकरियां हैं, जो इसके लिए जो जॉब है जो स्टेट गवर्नमेंट की है, वो भी हमें नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम है, वो घर में बैठेंगे अपना फॉर्म फिल करेंगे और टॉपर हैं जो वो पहले ही उठा लिए जाएंगे और जे एंड के वाले हाथ पे हाथ धर के देखते रह जाएंगे। के एस की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, के एस क्या चाहिए, जब आई ए एस ऑफिसर लग जाएंगे तो के एस की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने जो आप आने वाली जनरेशन है उसके फ्यूचर को सिक्योर कीजिए और कृपया घरों से बाहर निकलिए और इसके इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कीजिए। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, ये आपके बच्चों का और आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। देखा जा रहा है कि मैडम मूर्ति भी कैंती को लेकर बड़े संगीन हैं, बड़े चिंताजनक हैं। तो एक बात और आती है कि अगर मैडम मूर्ति को जम्मू कश्मीर की इतनी चिंता है जी, तो फिर पिछले दिनों जम्मू प्रोविंस में हीरानगर क्षेत्र में एक कांड हुआ था जिसको साना कांड कहा जा रहा है। मैं उस बच्ची का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट रोक लगा रखी है और ये केस जो है न्यायपालिका में पठानकोट में चल रहा है, इसकी सुनवाई चल रही है जी। उस समय आपकी सरकार कहाँ थी, माननीय महबूब मुफ्ती जी कहाँ थी, इनके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई, उस केस को सीबीआई की जांच के लिए क्यों नहीं आगे आई पार्टी? लोगों में देखा जा रहा है कि इसको लेकर काफ़ी रोष भी है जम्मू के लोगों को लेकर। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, पहली बात है कि ये जो मुद्दा 35A है आर्टिकल, इसका PDP से कोई लेना देना नहीं है, ये PDP का मुद्दा नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, मैडम महबूबा मुफ्ती जी को चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी, जब वो सत्ता में थी तब भी और अब भी, रियासत जम्मू व कश्मीर की उतनी ही चिंता है जितनी वो चीफ मिनिस्टर रहते हुए कर रही थी। तभी वो 35A को तोड़ने वालों के खिलाफ हैं। मैं नहीं कहता कि वो BJP है, कांग्रेस है, कोई भी पार्टी हो, अदर पार्टी जितनी भी हैं, मैं नहीं कहना चाहता कि वो हमारे साथ हैं या नहीं देंगी या देंगी, लेकिन जो 35A के ख़िलाफ़ है महबूबा जी उनके ख़िलाफ़ हैं। दूसरा, मैं आपको रिसाना कांड के बारे में आपने क्वेश्चन किया, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, महबूबा जी ने कभी नहीं कहा है कि CBI इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। जब इंक्वायरी की बात चली थी शुरू में और जे इंक्वायरी का मुद्दा जब उठा असेंबली में, तो वहाँ पे बात की गई कि इंक्वायरी कहाँ दी जाए, ये नहीं है कि इंक्वायरी हवा में दे दी। वहाँ पे असेंबली में बात जब हुई कि इंक्वायरी कहाँ दी जाए, तो तब BJP के लोगों ने नहीं बोला कि इंक्वायरी CBI को दे दो, तभी बोलना चाहिए था। अब महबूबा जी ने अकेले तो क्राइम ब्रांच वालों को इंक्वायरी नहीं दी, और उनके रिश्तेदार तो कोई है नहीं क्राइम ब्रांच वाले के, उनको इंक्वायरी इन्होंने खुद दे दी। असेंबली में मुद्दा पास हुआ तब BJP वाले नहीं बोले, जब 1.5-2 महीना इंक्वायरी चलती रही तब ये नहीं बोले, जब इनको अपनी कुर्सियाँ खोनी पड़ी तब इन्होंने मुद्दा बना लिया कि मैडम महबूबा मुफ्ती जो है वो इंक्वायरी नहीं करवाना चाहती। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर रातों रात नोटबंदी हो जाती है, अगर रातों रात पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, अगर इतना बड़ा काम जो GST लगाना है वो रातों रात हो जाता है, तो अगर सेंटर ने CBI इंक्वायरी करानी होती तो वो क्यों नहीं करवा लेते? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, पूरा इनका जो इनकी टीम है, उन्होंने अगर CBI इंक्वायरी करानी तो उनको महबूबा जी की परमिशन की क्या ज़रूरत है? और एक बात और बता दूं आपको, अब क्यों नहीं CBI इंक्वायरी करवाई जा रही, अब करवा लें, अब तो महबूबा जी नहीं रोक रही हैं, अब तो ना वो चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन अभी केस जो है वो न्यायपालिका में है, वो तो होगी नहीं। राजकुमार जी, जब तक इंक्वायरी, जब तक वो क्राइम वाले अपनी रिपोर्ट नहीं देते, तब तक तो मतलब ही नहीं था कि CBI इंक्वायरी हो जाती। अगर क्राइम ब्रांच वाले, इसका मतलब कि हमें जो क्राइम वाले हैं उन पर यकीन ही नहीं है, उनका मनोबल गिराने वाली बात थी। अगर बीच में क्राइम को इंक्वायरी लेके
तो वो किसी और को दे दो तो इसका मतलब है वो मनोबल गिराने वाली बात है। तो जब तक उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, कोर्ट में पेश कर दी, उसके बाद अभी करवा लें सीबीआई इंक्वायरी, अभी कोर्ट से ऑर्डर करवा लेना कि सीबीआई इंक्वायरी करवा दो, क्यों नहीं। जे मुद्दे को भड़काने वाली बात है, लोगों को भड़काने वाली बात है, सीबीआई इंक्वायरी की कोई बात ही नहीं थी, ना जे चाहते थे कभी इंक्वायरी हो, ना अब भी जे चाहते हैं कि इंक्वायरी हो। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले, मैं आपको एक बात और बता दूँ, कल इनके रविंदर रैना जी माननीय जो इनके राज्य अध्यक्ष हैं, उनकी कल वर्डिंग थी कि जो हमारा यहाँ का गवर्नर है जो पहले था वो अपनी डफली बजाता था, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रहे थे, जे मैंने देखा है वायरल हुआ उनका वीडियो सोशल मीडिया पे, वो कह रहे हैं कि जो पहला गवर्नर था वो अपनी डफली बजाता था, जे हमारा अपना गवर्नर आ गया है। अगर इनका अपना गवर्नर है तो अब क्यों नहीं करवा रहे सीबीआई इंक्वायरी, अब तो इनका घर का राज हो गया, गवर्नर भी इनका अपना आ गया खुद का। एक जिम्मेदार आदमी बोल रहा है कि हमारा घर का आदमी आ गया, जे हमारा अपना आदमी है, अब देखिए काम होंगे तो अभी करवा लें इंक्वायरी, इंक्वायरी का तो मुद्दा ही नहीं है। ये जो आप दोनों मुद्दों को मिक्स मत कीजिए, जो आर्टिकल 35 ये है, ये जम्मू कश्मीर के हित में है, ना कि कश्मीर के हित में है, ये डोगरों के भी हित में है, ये डोगरों के लिए भी बना हुआ है। अगर कल को ये ख़त्म होगा स्टेट सब्जेक्ट की वैल्यू ख़त्म होगी तो कश्मीरियों की नहीं होगी, वो डोगरों की भी हो जाएगी। तो लास्ट में आप युवाओं, जम्मू कश्मीर के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे 35 को लेकर, कि क्या रुख अपनाएं और किस तरह से वो लोग जो है वो 35 को लेकर अपनी बात रखें। देखिए मुद्दा तो युवाओं के लिए हमने उठाया है, हमें युवाओं की चिंता है, नौजवान सभी हमारे भाई हैं, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर जो पार्टियाँ कहती हैं, मैं पैंथर पार्टी को पूछना चाहता हूँ, जो कहती हैं जी कश्मीरी हमारे हक ले जाते हैं, कश्मीरी हमारा जे ले जाते हैं, अभी तो वो कश्मीरियों के साथ लड़ाई कर रहे हैं कि कश्मीरी हमारे हक ले जाते हैं, अभी क्यों नहीं खड़े होते वो आने के लिए कि हाँ अब कश्मीरी हमारे हक ले जाते हैं, जब 35 टूटेगी तब तो पूरा इंडिया आपका हक लेने आ जाएगा, फिर क्या करोगे। अभी जो हमारे नौजवान भर्ती होने के लिए जाते हैं, उनकी हाइट आपको पता, आर्मी में हमारी डोगरों की हाइट कम रखी गई है और बाकी वालों की हाइट ज़्यादा है, अभी वो भी बेनिफिट ख़त्म हो जाएगा। कल को JKP के लिए कोई आपको स्टेट सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, जब हरियाणवी जाट 6-6.5 फुट का आगे खड़े हो जाएंगे, पंजाब के आके लंबे लंबे लोग खड़े हो जाएंगे जहां लाइनों में कि उनकी मेजरमेंट करो, तो वो दौड़ में भी आगे होंगे। हमारे लोग आपको पता है हमारे लोग कितने मेहनती हैं, वो लोग कितने मेहनतकश हैं, ये भी आपको पता है। जब हाथ से निकल जाएगी चीज़ फिर हम उसके पे प्रोटेस्ट करेंगे कि हमें स्पेशल दर्जा दिया जाए। अब वो कर रहे हैं ना गुर्जर, उनको कोई नहीं दे रहा, रोज डांगे पड़ती हैं उनको, हमें मिला हुआ है और हमें लेना नहीं आ रहा। जो चीज़ मिल जाती है उसको बचाना चाहिए, जो चीज़ हमारे हक में है वो हमें बचाना नहीं आ रहा, और जब हमें भी मांगना पड़ेगा तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे, फिर हम कहेंगे नहीं जी ये पहले हमारा स्पेशल स्टेट का दर्जा था, अभी हमारे स्टेट सब्जेक्ट बहाल करो। अभी वेस्ट रिफ्यूजी है ना, उनके स्टेट सब्जेक्ट नहीं बने हुए हैं, उनको जाके पूछो कि नॉन स्टेट सब्जेक्ट की कितनी प्रॉब्लम होती है। ये कहने की बात अलग होती है और प्रैक्टिकली बात अलग होती है। इसके साथ ही मैं आपका भी बहुत जे थे मेरे साथ जगदीप सिंह जग्गा जी, जो PDP पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और मौजूदा जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं पार्टी के। मैं निकला हूँ कठुआ शहर में और मैं आपको बता दूँ कि रोज़ाना हम एक पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो जिला से संबंधित हो, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी रहा हो, चाहे हम रोज़ाना एक शख्स को ये पूछेंगे कि 35 को लेकर उसकी क्या धारणा है। और आज हम जगदीप सिंह जग्गा के पास पहुँचे थे, उन्होंने कहा कि 35 को लेकर अगर 35 हटती है तो जम्मू कश्मीर राज्य को काफ़ी नुकसान होगा। तो हमारी ये जो मुहिम है ये जारी रहेगी, हम और भी लोगों से पूछेंगे और आप तक ये इन लोगों के विचार पहुँचाएंगे कि ये क्या कहते हैं। हालाँकि जगदीप सिंह जग्गा जी ने युवाओं को कहा है कि खुद आ गए हैं और 35 के मसले को लेकर उसको ना हटाने का विरोध करें, क्योंकि 35 के लिए को हटाने के बाद काफ़ी नुकसान होगा। हालांकि मामला जो न्यायपालिका में है तो मैं उस पर ज़्यादा बात ना करूँगा। मैं राजकुमार, कैमरामैन संघ प्रवास के साथ कठुआ, धन्यवाद।